हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिखर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने जा रहे हैं जेट 2018 का जो एग्रीकल्चर का पेपर है उसके सॉल्यूशन की। तो जानिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है स्पेग्नम ग्रास इज वेरी सुटेबल फॉर। स्पेग्नम घास किसके लिए सुटेबल है या किसके लिए उपयुक्त है। अब इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट है लेयरिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग और इनार्चिंग। लेयरिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग और इनार्चिंग। स्पेग्नम घास, पहले बात तो स्पेग्नम घास किसके लिए यूजफुल है, किसके लिए उपयुक्त मानी जाती है, गुट्टी के लिए, कलिकायन के लिए, कलम बंधन के लिए या फिर इनार्चिंग के लिए। तो ध्यान रखना ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, गुट्टी दाब के लिए या एयर लेयरिंग के लिए। किसके लिए इंपॉर्टेंट है, लेयरिंग। अब लेयरिंग भी दो प्रकार की होती है। चलो सबसे पहले बात करते हैं ये लेयरिंग बडिंग ग्राफ्टिंग है क्या। ये क्या है, प्रवर्धन के मेथड है ये गुरुजी। प्रवर्धन, प्रवर्धन का मतलब होता है नया पौधा बनना। कोई भी नया पौधा बनता है तो ये नया पौधा बनने के दो टेक्निक्स हो सकते हैं, दो मेथड से बन सकता है ये। कौन कौन से, एक तो होता है लैंगिक मेथड और एक होता है अलैंगिक। लैंगिक मेथड कौन सा गुरुजी, लैंगिक मेथड कहते हैं अगर बीज से नया पौधा बनता है। किससे नया पौधा बनता है, किससे, बीज से नया पौधा बनता है, किससे, बीज से। तो ये वाला मेथड तो कौन सा हो गया, लैंगिक मेथड। ठीक है गुरुजी, कोई नहीं। फिर अलैंगिक मेथड, अलैंगिक मेथड का मतलब वानस्पतिक भाग। गुरुजी वानस्पतिक भाग कौन से, वानस्पतिक भाग हो सकता है जड़, तना, पत्ती, पुष्प। अगर इनसे नया पौधा बनता है, जड़, तना, पत्ती, पुष्प से नया पौधा बनता है तो उसे क्या कहेंगे, अलैंगिक मेथड। दो मेथड हो गए, लैंगिक मेथड नया पौधा बनना बीज द्वारा, अलैंगिक जड़, तना, पत्ती और पुष्प से बनना, और यही क्या कहलाता है, प्रवर्धन। हम इसे कह सकते हैं वानस्पतिक प्रवर्धन। अब वानस्पतिक प्रवर्धन की कई विधियां हैं, मोस्टली छह विधियां हैं। इस छह में से लेयरिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग, इनार्चिंग चार है, बाकी और भी है। तो इनमें से जो स्पेग्नम घास है, स्पेग्नम घास है वो कहां यूज की जाती है, लेयरिंग में। क्यों, क्योंकि ये नमी का अवशोषण ज्यादा रखती है और कितना, 26% के आसपास ही अधिक नमी को रखती है, तो जड़े विकसित होने में दिक्कत नहीं आती। तो जो लेयरिंग विधि है उसमें क्या काम मिलता है, स्पेग्नम ग्रास काम मिलता है। आ जाओ नेक्स्ट की हम बात करें, अपना अगला प्रश्न है ये रहा, पेक्टिन इज डिटरमाइंड बाय। पेक्टिन परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, पेक्टिन इज डिटरमाइंड बाय, ये किसके द्वारा परीक्षण किया जाता है। पहला दिया हुआ है जेली थर्मामीटर, दूसरा है जेल मीटर, तीसरा है लैक्टोमीटर और तीसरा है हाइड्रोमीटर। तो जेली परीक्षण, अब देखो जेली, हाँ सॉरी, पेक्टिन परीक्षण, पेक्टिन परीक्षण किया किसमें जाता है, जेली में। किसमें किया जाता है, जेली। ये जेली क्या होती है, एक नाम आता है आपके पास जेम और एक आता है जेली। जेम किसे कहते हैं, ये फलों से जो परिरक्षित पदार्थ बनाता है, फलों को जो परिरक्षण किया जाता है ना, वो परिरक्षित उत्पाद है जेम और जेली। अब जेम किससे बनता है, जेली किससे बनता है, तो जेली तो बनती है किससे, अमरूद से। जेम किसका बनता है, सेब का। जेम किसका बनता है, सेब। अब जेली बनने के लिए उपयुक्त चीज है पेक्टिन, या जब भी जेली बनाते हैं उसमें परीक्षण करते हैं तो परीक्षण किसका करते हैं, पेक्टिन। अब पेक्टिन का परीक्षण किसके लिए उपयुक्त है, जेली के लिए, और ये किसके द्वारा किया जाता है, जेल मीटर। प्रश्न है पेक्टिन परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, जेल मीटर के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, जेल मीटर। करते किसमें है, जेली में। किसमें करते हैं, जेली में। तो यहां सही उत्तर होगा दो नंबर। तीसरा जो, तीसरा आपने, फ्रूट आर प्रोसेस्ड एट द टेम्परेचर ऑफ, फलों का जो प्रोसेस्ड है संसाधन है वो कितने तापमान पर किया जाता है। लिखा हुआ है फलों को किस तापमान पर संसाधित किया जाता है। तो ध्यान रखना फलों और सब्जियों दोनों को बता देता हूं, फलों और सब्जियों का जो प्रोसेसिंग है, संसाधित है, वो क्या रहता है, फलों का क्या रहता है 212 डिग्री फॉरेनहाइट, और सब्जियों का क्या रहता है 240 डिग्री फॉरेनहाइट, सेंटीग्रेड नहीं, फॉरेनहाइट, 212 और 240 डिग्री फॉरेनहाइट। तो यहां जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहां पूछा गया है सेंटीग्रेड, सॉरी 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 ज्यादा हो गया,
112 और 140 डिग्री फॉरेनहाइट। फलों का क्या रहता है 112 डिग्री फॉरेनहाइट और सब्जियों का 140 डिग्री फॉरेनहाइट पर। तो यहां अगर इनको बात की जाए फॉरेनहाइट में तो यहां तक ठीक था। अब यहां पूछा गया किसमें सेंटीग्रेड, अगर 112 का फॉरेनहाइट में सेंटीग्रेड कन्वर्ट करते हैं तो मोस्ट कितना आता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना आता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब बात करते हैं इसकी सब्जियों की तो ये लगभग होता है 115 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, 115.5 के आसपास होगा। तो सब्जियों का प्रेक्षण क्या रहता है 115 डिग्री सेंटीग्रेड पे और जो फलों का क्या रहता है वो कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर फॉरेनहाइट में पूछे तो ये रहेगा या हम 100 सेंटीग्रेड से फॉरेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां जो सही उत्तर होगा वो कौन सा माना जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगले में आ जाओ, अगला है बायनियल बेरिंग द्विवर्षीय या एक वर्ष के बाद एक वर्षीय द्विवर्षीय इन वन ऑफ द मोस्ट बाइंडिंग प्रॉब्लम। यह समस्या किसमें पाई जाती है द्विवर्षीय फलन एक मुख्यतः जवलंत समस्या है। यह समस्या किसमें पाई जाती है इस समस्या को कहा जाता है अल्टरनेट बेरिंग। इसे कहा जाता है अल्टरनेट बेरिंग। अब ये अल्टरनेट बेरिंग होती क्या है एक साल फल आना दूसरे साल फल नहीं आना, या हम कह सकते हैं ये आम का पौधा है या कोई भी पौधा है इस पौधे में एक साल तो इधर फल आएंगे दूसरे साल इधर फल आएंगे, मतलब एक साल फल आएंगे एक साल फल नहीं आएंगे, एक साल फल आएंगे एक साल फल नहीं आएंगे। तो इसे कहते हैं अल्टरनेट बियरिंग या द्विवर्षीय फलन, द्विवर्षीय फलन, द्विवर्षीय फलन। अब ये किसमें समस्या पाई जाती है तो यहां ऑप्शन के हिसाब से डेट पाम जी इसमें भी पाई जाती है, मैंगो मैंगो में पाई जाती है, बेर बेर में नहीं होती और बनाना में नहीं होती। तो ये डी फलन या अल्टरनेट बेरिंग की समस्या किसमें पाई जाती है डेट पाम और मैंगो दोनों में ही पाई जाती है। इसके अलावा अब ध्यान रखना डेट पाम एप्पल और मैंगो तीन फ्रूट हैं, कौन कौन से हैं खजूर सेब और आम। अल्टरनेट बेरिंग है जो किसमें पाई जाती है खजूर सेब और आम। अब यहां दोनों ही ऑप्शन में डेट पाम और मैंगो तो यहां सही कौन सा माना जाएगा आम। क्यों क्योंकि जो हाईएस्ट प्रोडक्शन है वो भी किसका है आम का और ज्यादा समस्या भी किसमें आ रही है आम में आ रही है, होती तीनों में ये खजूर सेब और आम। अगर ये तीनों ऑप्शन में होते हो तो लास्ट में कौन सा मानता ऑल सभी माना जाता तो, लेकिन यहां कौन सा ऑप्शन माना जाएगा आम। अल्टरनेट बेरिंग मोस्टली पढ़ाया भी किसमें जाता है आम के लिए लेकिन होता खजूर में भी और एप्पल में भी होता है। ठीक है यहां ऑप्शन क्या रहेगा आम। नेक्स्ट आ जाओ भी पांचवा जो क्वेश्चन है वो है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट ये एक परिरक्षक पदार्थ है इज एडेड फॉर द प्रिजर्वेशन, ये लिखा हुआ क्या प्रिजर्वेशन इज विच प्रोडक्ट, कौन से प्रोडक्ट में या कौन से उत्पाद में ये सोडियम बेंजोएट परिरक्षण के रूप में काम में लिया जाता है, किस उत्पाद के परिरक्षण में सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है। अब परिरक्षक उत्पाद उत्पाद क्या होते हैं जो फलों से सब्जियों से तैयार किए जाते हैं उनका परिरक्षण लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए जो प्रोसेस जाता है उसे क्या कहते हैं परिरक्षण कहते हैं। इसके लिए दो चीज मिलाई जाती है एक तो आ गया हमारे पास सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, एक आता है पोटेशियम मेटाबोलाइट सल्फाइड, पोटेशियम मेटाबोलाइट सल्फाइड दो चीज हो गई। अब इतना ध्यान रखना किसके लिए अगर रंगहीन की बात करते हैं रंगहीन फलों की, किसकी बात करते हैं रंगहीन फलों की तो रंगहीन फलों के परिरक्षण मिलाया जाता है पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड, पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड। और रंगीन फलों की बात करते हैं किसकी रंगीन फलों की तो क्या मिलाया जाता है सोडियम बेंजोएट। अब देख लो कौन सा रंगहीन है कौन सा रंगीन है, फर्स्ट की बात करते हैं टोमेटो सॉस टमाटर का सॉस तो क्या है रंगीन, कौन सा रंग हो गया इसका लाल रंग का हो गया भाई, कौन से रंग का हो गया ये लाल रंग का। तो सबसे पहला वाला फर्स्ट ऑप्शन अपना सही होगा कौन सा टमाटर सॉस, आंवले का मुरब्बा कॉर्डियल और सेब का जैम, या हम कह सकते हैं एप्पल जैम कॉर्डियल और आंवला प्रिजर्व, इनमें क्या काम रहता है पोटेशियम मेटाबाइल सल्फाइड और जो टोमेटो सॉस है उसमें क्या काम मिलेंगे सोडियम बेंजोएट। तो पूछा गया सोडियम बेंजोएट इज एडेड किसमें ऐड किया जाता है तो किसमें क्या जाता है टोमेटो सॉस। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना छह नंबर आ जाओ भी द फॉस्फोरस कंटेंट इज डीएपी, फॉस्फोरस कंटेंट पी
हमने पढ़ा है फॉस्फोरस कंटेंट इन डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट। पहले तो ध्यान रखना डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट। अब इसमें कंटेंट पूछा क्या है, डजंट मैटर, पहले हम ये चीज देखते हैं है क्या ये। डीएपी का मतलब है यहां अमोनिया मिलता है, और क्या मिलता है इसके साथ, फॉस्फोरस, अमोनिया और फॉस्फोरस। अमोनिया का मतलब क्या है, नाइट्रोजन, पॉजिटिव एनएच फोर बॉन्ड, पॉजिटिव फॉर्म है, और यहां क्या मिल रहा है, फॉस्फोरस। सबसे पहले बात करते हैं डीएपी कौन सा उर्वरक है, फॉस्फेट उर्वरक है। कौन सा उर्वरक है, फॉस्फेट, क्योंकि इसमें फॉस्फोरस ज्यादा मिलता है और नाइट्रोजन कम मिलता है। पहले बात करते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना मिलता है डीएपी में, नाइट्रोजन पाया जाता है कितना परसेंट, 18%, और फॉस्फोरस कितना पाया जाता है, 46%। तो ये कौन सा उर्वरक है, फॉस्फेट उर्वरक है, डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट, अमोनिया भी होता है और फॉस्फोरस भी होता है। अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन की बात करते 18% नाइट्रोजन, 46% फॉस्फोरस। अगर यही बात यूरिया की जाती, यूरिया, तो ये कौन सा उर्वरक है, एकल उर्वरक है। एकल उर्वरक किसे कहेंगे, जिसमें एक ही प्राथमिक पोषक तत्व उपस्थित हो, इसमें दोनों प्राथमिक पोषक तत्व हैं, लेकिन इसमें क्या पाया जाता है, सिर्फ एक ही, कौन सा, नाइट्रोजन, कितने परसेंट, 46%। ध्यान रखना यूरिया में तो नाइट्रोजन पाया जाता है 46%, और जो डीएपी उसमें क्या पाया जाता है, फॉस्फोरस पाया जाता है 46% या 46%। तो यहां पूछा है डीएपी खाद में फॉस्फोरस की मात्रा कितनी होती है, पूछने की जरूरत नहीं है किसी को, कितनी हो गई, 46%। अगर यही बात यहां नाइट्रोजन के लिए पूछी जाती, किसके लिए पूछा थी, यहां फॉस्फोरस भी उसने पूछा होता क्या, नाइट्रोजन, तो यहां ऑप्शन में कितना होता फिर, 18%, फर्स्ट ऑप्शन अपना सही माना जाता। तो यहां फॉस्फोरस के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड ऑप्शन, कितने परसेंट, 46% फॉस्फोरस होगी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपना अगला क्वेश्चन है कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर, कैल्शियम मैग्नीशियम एंड सल्फर आर नॉन एज, नॉन एज का मतलब इनको क्या कहा जाता है, सब सारे क्या है, पोषक तत्व है। पहली बात इनको क्या कह दिया हमने, पोषक तत्व कह दिया। अब कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर को क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं, ये तो कोई बात नहीं, लेकिन कौन से पोषक तत्व कहते हैं, यहां दिया हुआ है प्राइमरी, सेकेंडरी, माइक्रो और बेनिफिशियल, लाभकारी या लाभदायक, सूक्ष्म पोषक तत्व, द्वितीयक और प्राथमिक। अब मैं आपको बताता हूँ प्राथमिक, द्वितीयक और सूक्ष्म कहते किसे हैं, पहले इनमें एक चीज और जोड़ता हूं, इनको एक और आता है संरचनात्मक, यहां सभी का जिक्र कर लेते हैं अपन, संरचनात्मक। पहले बात करते हैं प्राथमिक, तो प्राथमिक होता है एन पी और के, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम, इनको क्या कहा जाता है, प्राथमिक पोषक तत्व है। पहले इनसे पहले कुल पोषक तत्व है, यहां एक चीज लिखी मैंने, आवश्यक पोषक तत्व है, आवश्यक बहुत जरूरी है। कुल आवश्यक पोषक तत्व कितने हैं, 17 है, कितने हैं, 17। जो 17वां है, जो 17वां है वो कौन सा है, निकल है। 17वां कौन सा है, निकल, पहले 16 थे, अब 1987 के बाद 17 हो गए, तो 17वां कौन सा है, निकल है। अब बात करते हैं प्राथमिक, प्राथमिक कौन से हो गए, एनपीके। फिर द्वितीयक पोषक तत्व, द्वितीयक कौन से हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर, कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर। फिर सूक्ष्म, ये थोड़ा प्रोसेस लंबा ज्यादा है, और इसके बाद देखते हैं लाभदायक, लाभदायक का मतलब जितने भी लाभ हो गए सारे लाभदायक हैं। और फिर संरचनात्मक, संरचनात्मक कौन से, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हमने पढ़ने हैं कुल कितने, 17, 17 में से एक कौन सा हो गया, निकल, बाकी कितने बच गए, 16, 16 में से तीन कौन से हो गए, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीन कौन से हो, कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर, और तीन कौन से हो गए, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम। 3, 6, 9 और 1, 10, कितने हो गए, 10, बच गए कितने, 7, 7 में कौन सा बच गया, बोरोन, मोलिब्डेनम, आयरन, कॉपर, जिंक, 2, 4, 6, 1, 7, 2, 4, 5, आयरन, जिंक और हो गया, 2 और, ठीक है। अब यहां पूछा गया कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर को क्या कहता है, अब कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर कहां दिख रहा है, ये रहा, तो क्या कहा जाता है, द्वितीयक पोषक तत्व, तो ये कौन से हो गए, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, कौन से हो गए, सेकेंडरी, और ये बाकी जो बच गए वो कौन से हो गए, सूक्ष्म पोषक तत्व है। प्राथमिक कौन से हैं, एनपीके, संरचनात्मक कौन से हैं, कार्बन हाइड्रोजन और
ऑक्सीजन हो गए। सातवां क्वेश्चन का फिर सेकेंडरी ऑप्शन आएगा इसमें, सेकेंड दो नंबर का सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। आ जाओ भाई नेक्स्ट पे, यहां लिखा हुआ है सिंधु। सिंधु इज सीडलेस हाइब्रिड कल्टीवार, मतलब वैरायटी है हाइब्रिड जो क्रॉस है किनके बीच का, किसके दो किस्मों, कौन सी किस्मों के बीच का संकरण है या दो किस्मों का संकरण जिससे सिंधु तैयार की गई है। बीज रहित संकर किस्म, पहले ध्यान रखना ये भी पूछा, सीडलेस या बीज रहित जो किस्म है आम की, हाँ पहली चीज ये सिंधु किस्म किसकी है भाई, सिंधु किस्म की है, आम की किस्म है और बीज रहित है पहली चीज। फिर किस्म सिंधु का क्रॉस है, दो किस्मों के बीच का जो क्रॉस है वो दो किस्में कौन सी है जिनसे सिंधु बनी है। तो सीधा ध्यान रखना सिंधु किसका संकरण है, रत्ना और अल्फांजो, रत्ना और अल्फांजो, आर गुणा ए बराबर एस, आर ए एस, रत्ना अल्फांजो मिलकर क्या बनाती है, सिंधु बनाती है। बाकी इनका भी क्रॉस बार बार पूछा था, रत्ना अल्फांजो ये क्या सिंधु है, दशहरी और नीलम। डीएनए ये होता है अल्फांजो नीलम, इसका होता है मल्लिका, जो आम के जो तीन चार मोस्ट ऑफ है जो आम का फसल पड़ेंगे ना उस समय हम ये इनके बारे में अच्छे से डिस्कशन कर लेंगे। तो यहाँ ध्यान रखना सिंधु किसका क्रॉस है, रत्ना और अल्फांजो का, दशहरी नीलम ये किसका है, आम्रपाली का, अल्फांजो नीलम किसका है, मल्लिका का। चलो यहाँ कौन सा होगा, यहाँ ऑप्शन सही माना जाएगा अपना कौन सा, रत्ना और अल्फांजो। नेक्स्ट की बात करते हैं, परसेंटेज ऑफ साल्ट नमक का प्रतिशत इज पिकलेज, पिकल का मतलब होता है अचार, अचार में नमक का प्रतिशत कितना रखा जाता है, अचार में नमक की प्रतिशतता होती है कितनी प्रतिशत मात्रा होती है नमक की, सबको पता है 15 से 20% नमक रखा जाता है परीक्षण में, कितना परसेंट, 15 से 20%। दोस्तों आगे चलते हैं, अपना दसवां क्वेश्चन है, आ जाओ दसवां क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ, नियर सिटीज शहरों के पास में नजदीक में, विच सिस्टम ऑफ प्लांटिंग, प्लांटिंग का कौन सा सिस्टम कंसीडर्ड सुटेबल, सुटेबल रहता है या कंसीडर्ड किया जाता है, शहरों के निकट रोपण की कौन सी विधि उपयुक्त समझी जाती है, किसको कंसीडर माना जाता है या अच्छा रहता है। शहरों का मतलब महंगी भूमि, शहरों के समीप मतलब महंगी भूमि, भूमि महंगी होगी और अपन लीज पे ले रहे हैं या खरीद रहे हैं तो उससे उत्पादन भी अपने को क्या होना चाहिए, अधिक होगा, उत्पादन अधिक होगा तो हम वहां सुटेबल रह पाएंगे। तो ऐसी फसल या ऐसी विधि जिसमें अपन महंगी भूमि उपयोग करेंगे उत्पादन अधिक हो, उत्पादन अधिक कब होगा, जब पौधों की संख्या अधिक होगी, पौधों की संख्या अधिक होगी, पौधों की संख्या अधिक कब होगी, जब अच्छे मेथड से लगवाएंगे। अब अच्छे मेथड का मतलब क्या है, पहला मेथड है वर्गाकार, आयताकार, षटभुजाकार और क्विंकस मेथड, यहां स्क्वायर, रेक्टाकुलर, हेक्सागोनल और क्विंकस मेथड। अब इतना ध्यान रखना, स्क्वायर मेथड वर्गाकार विधि का मतलब सीधा सा है, एक वर्ग है, आर इंटू पी दूरी समान रखी जाती है, ये समान होती है, चारों भुजाएं समान होती है, तो इसमें पौधे क्या लगते हैं, चार लगते हैं, इसमें पौधों की संख्या होती है, वही आयताकार है, इनमें पौधे की संख्या कम होती है। फिर षटभुजाकार, इस षटभुजाकार विधि में पौधे अधिक लगाए जाते हैं, ये पूरी जो विधियां है ना हॉर्टिकल्चर में हम आराम से डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ से सीधा सा उत्तर देख रहे थे कौन सा होगा, तो यहाँ जो उत्तर माना जा रहा है वो कौन सा जाएगा, षटभुजाकार, क्यों, क्योंकि इसमें वर्गाकार की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, वर्गाकार की अपेक्षा 15% पौधे अधिक लगाए जाते हैं, वर्गाकार की अपेक्षा कितने परसेंट पौधे अधिक लगते हैं, 15%, वर्गाकार की अपेक्षा लगेंगे तो आयताकार के भी लगभग कितने परसेंट रहते हैं, 15% पौधे अधिक लगते हैं। और वर्गाकार विधि की अपेक्षा एक विधि आती है पंचभुजाकार, ध्यान रखना पंचभुजाकार विधि, उसमें कितने लगते हैं, लगभग 2 गुना पौधे लगते हैं, वर्गाकार से 2 गुना अधिक लगते हैं, किसमें, पंचभुजाकार में। लेकिन जो उपयुक्त रहती है वो कौन सी है, 15% के साथ, लेकिन जो ध्यान रखना वर्गाकार विधि में जो 2 गुने पौधे होते हैं ना वो दूसरी किस्म के पौधे, दूसरी फसल के पौधे होते हैं, जो मुख्य फसल के पौधे होते हैं वो किसमें ज्यादा रहते हैं, हेक्सागोनल मेथड में या षटभुजाकार विधि, इनमें डिस्कस करेंगे पर ज्यादा चर्चा में तो क्लास में करेंगे। हेक्सागोनल मेथड, यहाँ नियर सिटी शहरों के निकट में कौन सी विधि उपयुक्त रहेगी, ये षटभुजाकार। नेक्स्ट की तरफ आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन, निम्न में से कौन सी दवाई, मेडिसिन इज यूज इन फूट बाथ, पैरों को धोने के लिए, कंट्रोल टू फूड एंड माउथ डिजीज, खुरपका और मुंह पक्का रोग में मुंह को धोने के लिए नहीं, पैरों को धोने के लिए कौन सा मेडिसिन, इनमें से कौन सा मेडिसिन उपयुक्त रहता है, खुरपका मुंह पक्का रोग में, फुटबाथ हेतु,
पैरों को धोने के लिए जिनमें से कौन सी औषधि औषधि प्रयुक्त होती है, कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो यहां लिखा हुआ है फिनोवेक्स, नहीं जी मुंह धोया जाता है, नीला तो था ये पाउडर कॉपर सल्फेट। पैरों को धोने के लिए कौन सा काम जाता है? कॉपर सल्फेट काम में लिया जाता है। ये आयोडीन ये अलग है, तारपीन का तेल ये चीजें अलग है, ये मर्दन तेल वगैरह आते हैं। तो यहां पूछा गया है फूड एंड एफएमडी रोग के लिए, एफएमडी रोग के लिए पैर धोने के लिए क्या काम में लेते हैं? कॉपर सल्फेट 1.5% के आसपास का काम में लिया जाता है, 1.5%। अगला क्वेश्चन आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेवीएस्ट ब्रीड ऑफ कैटल, हेवीएस्ट ब्रीड ऑफ कैटल गाय की सबसे भारी नस्ल, इन नस्लों में से गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? निर्वे से गाय की सबसे भारी नस्ल है। अब सबसे भारी नस्ल पूछी है तो सबसे भारी नस्ल कौन सी होती है? एचएफ होलिस्टन फ्रिजियन। गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? होलिस्टन फ्रिजियन। इसके एक नर का वजन, एक नर का वजन कितना माना जाता है? 1000 किलोग्राम। कितना माना जाता है? 1000 किलोग्राम। जो सबसे गाय की जो भारी नस्ल है वो कौन सी है? होलिस्टन फ्रिजियन। और सर्वाधिक दूध भी कौन सी देती है? होलिस्टन फ्रिजियन। हो सकता है इसकी वसा कम पाई जाती हो, इसके दूध में वसा कम होती है, लेकिन सर्वाधिक दूध भी कौन सी देती है? होलिस्टन फ्रिजियन। और सबसे भारी भी कौन सी है? होलिस्टन फ्रिजियन। हाँ अगला है, विच ब्रीड ऑफ पोल्ट्री, पोल्ट्री का मतलब पक्षियों की या मुर्गियों की, मुर्गियों की कौन सा है जो हैवी फर्स्ट पोजीशन इन एग प्रोडक्शन, एग प्रोडक्शन में विश्व में पहले स्थान पर है? मुर्गी की ऐसी नस्ल जो सर्वाधिक अंडे प्रोडक्शन करती है कहाँ? वर्ल्ड में। अंडा उत्पादन में मुर्गी की कौन सी नस्ल का विश्व में प्रथम स्थान है? कौन सी नस्ल का है? सबको पता है कौन सी है? व्हाइट लेगहॉर्न। कौन सी है? व्हाइट लेगहॉर्न। अगर अंडे देने की मशीन की बात करें मुर्गियों में, तो अंडे देने की मशीन ही कौन सी है? व्हाइट लेगहॉर्न। तो यहां सही ऑप्शन कौन सा होगा? फोर्थ, व्हाइट लेगहॉर्न। आ जाओ अगले पे, विच इज द बेस्ट मेथड ऑफ एज डिटरमिनेशन इन एनिमल, सबसे अच्छा मेथड कौन सा है पशुओं में आयु ज्ञात करने का? एज डिटरमिनेशन इन एनिमल्स, पशुओं में आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा मेथड कौन सा है? पशुओं की आयु ज्ञात करने का सबसे सादिक दशा देकर, ये तो एक जनरल आइडिया होगी भाई यार, वो 4-5 साल की होगी, ये सबसे बेस्ट मतलब एग्जैक्ट आयु का पता नहीं चलता। खुर देकर, खुरों में कोई खास पता नहीं चलता। सिंगों द्वारा लगभग अंदाजा लगा लिया भाई पशु की उम्र क्या होगी। लेकिन जो दांतों द्वारा है ना, जो सबसे बेस्ट मेथड है, सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? दांतों द्वारा। अब दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के दांत। कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के। दंत सूत्र भी आता है, अस्थायी भी आता है, स्थायी भी आता है। तो यहां पर्सन के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है? दांत द्वारा, सिंगों द्वारा, सिंग पर क्या बनते हैं? छल्ले बनते हैं। कितने बनते हैं? अब वो आगे डिपेंड करते हैं कितने बनते हैं। प्रथम छल्ला कब बनता है? 3 वर्ष की आयु में। जब पशु की आयु 3 वर्ष है तो पहला छल्ला बना पड़ता है, और जब दूसरा छल्ला बनता है तब आयु कितनी होगी? 4 वर्ष। और तीसरा बनता है तो 5 वर्ष। मतलब पहला छल्ला 3 वर्ष की आयु में बनता है, बाकी प्रतिवर्ष एक एक छल्ला बनता जाता है। लेकिन कई बार पशु के सींग टूट जाते हैं, जानकार होते हैं अच्छे इंसान होते हैं वो पशुओं के सींग घिस भी देते हैं कि उम्र का पता नहीं चले, लेकिन दांतों को नहीं तोड़ सकते या नए दांत नहीं लगा सकते हैं। तो पशुओं की आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा माना जाता है? दांतों द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज यूज्ड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ फैट, अगर वसा प्रतिशत ज्ञात करना है या वसा निकालना है, फैट प्रतिशत निकालना है, कौन से मेथड से? गर्भर विधि से। अगर गर्भर विधि से वसा प्रतिशत निकालना है तो हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मिल्क, दूध की कितनी मात्रा ली जाती है? गर्भर विधि से वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए दूध की कितनी मात्रा प्रयुक्त की जाती है? तो ध्यान रखना, गर्भर विधि से वसा प्रतिशत ज्ञात करनी हो तो दूध की मात्रा कितनी रखी जाती है? 10.75 ml। यहां गलती से हो गया 10.75, ये अलग अलग लिखा हुआ है ध्यान रखना, 10.75। यहां सही ऑप्शन होगा सेकेंड, 10 पॉइंट यहाँ पे 75 रहेगा, ये थोड़ा सा गलत हो गया। तो 10.75 ml माना जाएगा। गर्भर विधि से वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कितनी मात्रा काम मिलेंगे? 10.75 ml में, ध्यान रखना मिलीलीटर में। विच इज द मिल्क प्रोपेगेट,
परगेटिव मेडिसिन अमोंग द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सी परगेटिव मेडिसिन है, परगेटिव का मतलब रेचक, मर्दु रेचक, निम्न में से कौन सी मर्दु रेचक औषधि है, मर्दु रेचक औषधि है, मर्दु रेचक का मतलब क्या होता है, रेचक दस्तों को रोकने के लिए। तो यहां केस्ट हो रहा अरंडी का तेल, सेकंड है कपूर, तीसरा है अल्कोहल और चौथा है लाइजोल। तो जो मर्दु रेचक औषधि है वो किसे माना जाता है, अरंडी का तेल। मर्दु रेचक औषधि कौन सी है, अरंडी का तेल, जो दस्त को रोकने के लिए काम में ली जाती है, किसमें, पशुओं में, किसके रूप में, औषधि के रूप। जो कपूर और अल्कोहल है, जो कपूर है और अल्कोहल है, ये कौन से माने जाते हैं, उत्तेजक औषधियां, उत्तेजक, तुरंत एनर्जी देते हैं। कौन सा है, लाइजोल, लाइजोल माना जाता है जीवाणुनाशक, कौन सा मानता है, जीवाणुनाशक। तो यहां प्रगेटिव मेडिसिन कौन सी है, कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल, तो यहां सही ऑप्शन रहेगा फर्स्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एवरेज रेनफॉल ऑफ ए कंट्री, कंट्री की बात की जाती है तो इंडिया में बात करेंगे, अपने यहां बात करेंगे तो एवरेज रेनफॉल ऑफ कंट्रीज, अपने यहां भारत देश में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, भारत में औसत वार्षिक वर्षा पूछी गई है। अब यहां भारत की नहीं कि हम तीनों चीजों की बात करते हैं, अगर पूछ ले अपने को विश्व की औसत वार्षिक वर्षा, चलो मैं डिटेल में बताता हूं, ये प्रश्न बार बार पूछे जाने वाला है। वार्षिक वर्षा की बात करता है, पहले यहां बता दो ये कौन सा क्वेश्चन है। तो भारत में वार्षिक वर्षा कितनी मानी जाती है, 1194 mm माने जाते हैं। तो यहां सही ऑप्शन कौन सा होगा, 1200 mm। अब बात कर लेते हैं पहले राजस्थान की, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा एक साल में औसतन कितनी वर्षा होती है, 575 mm। अगर सेंटीमीटर की बात करते हैं, एमएम की नहीं बात करते, सेंटीमीटर की बात करते हैं, यहां कितनी होगी, 57.5 cm। ये तो बात थी किसकी, राजस्थान की, राजस्थान की बात थी। अब इसमें यह नहीं पूछ के राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है और न्यूनतम वर्षा कहां होती है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है झालावाड़, लगभग 1150 mm के आसपास होती है, सर्वाधिक वर्षा कहां होती है, झालावाड़, न्यूनतम वर्षा कहां होती है, पश्चिमी राजस्थान में, कहां होती है, पश्चिमी राजस्थान, लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर के आसपास होती है, यहां होती है 115 cm। यहां तो आती किसकी, राजस्थान। अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में वर्षा कितनी है, 1194 है, भारत में वर्षा कितनी है, 1194 mm। अगर सेंटीमीटर में बात करते हैं कितनी हो गई, 119.4 cm। ये औसत वार्षिक वर्षा थी भारत की, राजस्थान कितनी है, 57.5। अगर यही बात विश्व के लिए पूछ ली जाए, विश्व में औसत वार्षिक वर्षा तो कितनी है, 1000 mm, विश्व में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, 1000, भारत में कितनी है, 1194 और राजस्थान में कितनी है, 575 mm। यहां तक कोई डाउट नहीं, तीनों चीजों का ध्यान रखना। अगर राजस्थान में सर्वाधिक पूछे झालावाड़, भारत में, हाँ एक चीज, अगर भारत में सर्वाधिक वर्षा पूछे, भारत में सर्वाधिक वर्षा, तो भारत में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है, चेरापूंजी, मनसीवराम चेरापूंजी, मेघालय में होती है, कहां होती है, मेघालय में। ये भारत की वार्षिक वर्षा थी 1194। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाऊं, अगला क्वेश्चन है अपना द एवरेज गेस्टेशन पीरियड। यहां गेस्टेशन पीरियड पूछा है, गर्भकाल पूछा है, पूछा है गर्भकाल, इन बफेलो, भैंस का गर्भकाल कितना होता है, गाय का गर्भकाल कितना होता है। अगर ध्यान रखना, भैंस के गर्भ धारण की औसत अवधि, गर्भकाल की बात करें, औसत अवधि का मतलब होता है गर्भकाल, तो गर्भकाल कितना होता है भैंस में, 310 दिन। ध्यान रखना, अगर भैंस की बात होती है, किसकी बात होती है, तो भैंस की तो कितने माह हो गए, 10 माह है, 10 दिन, कितने महीने, 10 महीने और 10 दिन, 1 महीने में दिन कितने, 30, 30 के हिसाब से कितने हो गए, 300 + 10, कितने दिन हो गए, 310। ये बात तो किसकी थी भाई, भैंस के लिए थी, भैंस का जो गर्भकाल होता है वो कितना होता है, 10 महीने और 10 दिन का, 300 + 10 कितने हो गए, 310 दिन। गुरुजी ठीक है, अगर गाय का पूछ ले, यहां कौन सा सही हो गया,
यहां फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, 310 दिन 310 डेज। अब बात करते हैं गाय की, गाय का जो गर्भकाल होता है 9 माह है और 9 दिन मान लेते हैं या 10 दिन मान लेते हैं, 11 दिन मान लेते हैं, 9 महीने और 10 दिन मानते हैं, कितने 9 महीने और 10 दिन, 9 महीने के हिसाब से कितने हो गए 9 × 27 270 प्लस 10 कितने हो गए 280 दिन। तो ध्यान रखना आप, भैंस का गर्भकाल होता है 10 महीने 10 दिन, गाय का होता है 9 महीने 10 दिन, तो यहां कितने दिन हो गए 280, तो यहां सही ऑप्शन कौन सा होगा अपना 310 दिन। गाय बेड का बता दो, अगर बकरी की बात आती है तो 150, अगर भेड़ की बात आती है तो भी 150 मानते हैं, 1-2 प्लस हो सकता है, प्लस 1 और या 2 हो सकता है, आगे पढ़ेंगे पशुपालन तब ढंग से पढ़ेंगे। आ जाओ भाई, गोल्डन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ, गोल्डन रिवॉल्यूशन सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है। अब सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, फल उत्पादन से, किससे उत्पादन से, फल उत्पादन से इसका सीधा संबंध है। फल उत्पादन या गोल्डन रिवॉल्यूशन का जनक किसे माना जाता है, गोल्डन रिवॉल्यूशन का पिता किसे माना जाता है, केएल चड्ढा। भारत में गोल्डन रिवॉल्यूशन का जनक किसे माना जाता है, केएल चड्ढा को माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू 19th लाइव स्टॉक द पॉपुलेशन ऑफ काउ एंड बफेलो इज मिल्क इज इन इंडिया। हा, यहां पूछा गया है 19वीं पशु गणना के अनुसार भारत में दुधारू गाय और भैंसों की आबादी कितनी है, दुधारू गाय और भैंसों की आबादी कितनी है, एक 19वीं पशु गणना के अनुसार डायरेक्ट ध्यान रखना 85.52 मिलियन, कितना है ज्यादा हो गया भाई 80.52 मिलियन, डायरेक्ट ध्यान रखना कितना है 80.52। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले हैं ना वो इस समय के नहीं आएंगे, 19वीं पशु गणना के नहीं पूछ जाएंगे, 20वीं 21वीं पशु गणना के पूछ जाएंगे, तो ध्यान रखा 19वीं पशु गणना के अनुसार पेपर क्या 2018 का है, तो 80.52 मिलियन होगा। हाँ, इस 1 मिलियन का मतलब ध्यान रखना कितना होता है 10 लाख, मिलियन का मतलब कितना होता है 10 लाख। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ जाओ, प्रताप या C50, प्रताप या C50 इज ए वैरायटी ऑफ, ये किस्म है ना, प्रताप और C50 ये किसकी किस्म है, तो सीधा सा बताया ये किसकी किस्म है, तिल की है भाई, सिसेमम। प्रताप या C50 किस्म किसकी है, सिसेमम तिल की है। अगला जाओ, अगला प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉट लेग्यूम, निम्न में से कौन सी फसल लेग्यूम दलहन नहीं है, निम्न में से कौन सी फसल दलहन नहीं है, दलहन का मतलब होता है जिसके दाने में प्रोटीन अधिक होता है, दाने में क्या अधिक होता है, प्रोटीन अधिक होता है। तिलहन किसे कहते हैं, जिसके दाने में वसा अधिक होती है, और धान्य किसके कहते हैं, जिसके दाने में कार्बोहाइड्रेट अधिक होता है। तो यहां पूछा निम्न से कौन सी दलहन नहीं है, अरहर की फसल केजानस केजान पीजन पी ये तो कौन सी है, दलहन फसल है, जवार की फसल है, जवार दो जो कैसे दे दिया इन्होंने, ब्लेग्राम उड़द, पहला ऑप्शन अपने पास अरहर, दूसरा है उड़द, तीसरा है सोयाबीन और चौथा है जवार। तो ध्यान रखना जवार ये तो कौन सी फसल है, धान्य फसल है, जवार कौन सी है, सीरियल्स है। अब पिजन पी ब्लेग्राम और सोयाबीन तीनों ही क्या है, पल्सेज क्रॉप है। तो यहां पूछा है दलहन कौन सी नहीं है, तो यहां कौन सी दलहन नहीं है, सोरगम, यहां कौन सी नहीं है, सोरगम, जवार दलहन फसल नहीं है, कौन सी है, सीरियल, धान्य फसलें। अब सीरियल्स फसलें कौन सी होती है, गेहूं जो जवार बाजरा मक्का और चावल, ये जो 6 मुख्य फसलें हैं ना ये धान्य फसलें हैं, जिनमें प्रोटीन अधिक होती है वो दलहन फसलें होती है, जिनमें वसा की मात्रा अधिक होती है वो तिलहन फसलें होती है, जिनमें धान्य कार्बोहाइड्रेट अधिक होता है वो कौन सी है, धान्य फसलें। लगभग सीरियल्स में कितने परसेंट होता है, 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगर दलहन फसलों की बात करें, दलहन फसलों में लगभग 25% के आसपास क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, लगभग बता रहा हूं मैं सबका एवरेज, ये नहीं किसी एक पर्टिकुलर के लिए बता रहा हूं। अगले की तरफ आ जाओ,
हाउ इज पेंडीमेथिलीन अप्लाइड, यहां अलग अलग नहीं किया, ये अलग अलग पढ़ना है इसको। हाउ इज पेंडीमेथिलीन अप्लाइड, पेंडीमेथिलीन का उपयोग कैसे किया जाता है, पेंडीमेथिलीन है क्या, ये किसके लिए उपयोग करते हैं, किसके लिए उपयोग करते हैं, खरपतवार नाशी, किस में उपयोग करते हैं, दलहन फसलों में, किस में उपयोग करते हैं, दलहन फसलों में खरपतवार नाशी के लिए उपयोग करते हैं, किसका, पेंडीमेथिलीन का। अब पेंडीमेथिलीन उपयोग की जाती है कब की जाती है, इसने ये पूछा है, प्री इमरजेंस, पोस्ट इमरजेंस, अर्ली पोस्ट इमरजेंस और लेट पोस्ट इमरजेंस। तो यहां ध्यान रखना कौन सा आएगा, प्री इमरजेंस, ये तो बार बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेंडीमेथिलीन बार बार पूछा था, निर्गमन पूर्व किसका या दलहन फसलों में निर्गमन पूर्व किसका उपयोग कहता, किसका कहता है, पेंडीमेथिलीन का। तो यहां ध्यान रखना फर्स्ट ऑप्शन होगा प्री इमरजेंस, प्री इमरजेंस जानते हो किसे कहता है ना, बुआई के बाद अंकुरण से पहले, वो वाली कहानी है प्री इमरजेंस वाली। ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइप्रस रोटंडस, ये गैप नहीं देखा इन्होंने, साइप्रस रोटंडस, पर्पल नटवीड, ये छोड़ो, साइप्रस रोटंडस, मोथे का प्रवर्धन किससे होता है, ये मोथे का जो वानस्पतिक साइंटिफिक नेम है ना वो कौन सा है, साइप्रस रोटंडस, इसे कहा जाता है पर्पल नट सेज, पर्पल नट सेज कहता है, घास कहा जाता है। मोथे का प्रवर्धन किससे होता है, तो गुरु जी बीज द्वारा होता है, बिल्कुल सही बात, अगर बीज द्वारा होता है तो सभी का बीज द्वारा होता है, पूछेगा क्या इसमें, अब पूछा है इसने कोई विशेष चीज पूछी है, बीज, तना, पत्ती और प्रकंद। तो ध्यान रखना जो मोथे का प्रवर्धन होता है वो किससे होता है, मोस्टली राइजोम से होता है, किससे होता है, राइजोम या प्रकंद से होता है, बीज का तो सभी से होता है लेकिन मोस्टली मोथे में किसका उपयोग किया, उपयोग तो कौन करता है, मोस्टली होता किससे है, प्रकंद या राइजोम से होता है। ध्यान रखना कौन सा होगा मोथे के लिए, राइजोम, या कौन सी मेथड है ये, लैंगिक या अलैंगिक, अलैंगिक मेथड होगा ये, या वनस्पति के प्रवर्धन। अगला क्वेश्चन 25वां, व्हेन फिप्स लेबोरेटरी, याद करना, फिप्स लेबोरेटरी वाज एस्टैब्लिश्ड इन बिहार, फिप्स जो प्रयोगशाला है बिहार में कब एस्टैब्लिश हुई थी, या इस फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना बिहार में कब हुई थी, फिप्स प्रयोगशाला का मतलब है आई ए आर आई दिल्ली, सीधा फिप्स पूछता है तो किसको पूछ लिया, आई आर आई दिल्ली को पूछ लिया। तो आई आर आई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी गुरु जी, 1905 में हुई थी, तो पहला ऑप्शन सही है 1905 में। अब जब 1905 में हुई थी ना, इस समय ये बिहार में थी, इस समय स्थापना कहां हुई थी, बिहार में, बिहार में जिला कौन सा था, दरभंगा, कौन सा जिला था, दरभंगा, नदी कौन सी थी, गंडक। तो बिहार में दरभंगा जिले में गंडक नदी के किनारे एक प्रयोगशाला खुली थी, उस प्रयोगशाला का नाम क्या था, फिप्स प्रयोगशाला, कौन सी प्रयोगशाला, फिप्स प्रयोगशाला। इसका धीरे धीरे नाम बदलते 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 क्या हो गया, आज आई आर आई दिल्ली हो गया, आई आर आई दिल्ली हो गया, यहां तक ठीक है। अब आगे बात करेंगे जब आई आर आई पढ़ेंगे ना, जो जनरल एग्रीकल्चर पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे ये आई आर आई कब स्थापना हुई, कहाँ हुई, फिर दिल्ली कब आई, किस वजह से आई, दिल्ली में कहाँ स्थित है, जो भी इसका वीसी वगैरह, जो इसका वाइस प्रेसिडेंट जो भी है, उस कुलपति की बात करेंगे अपन आगे। फिर है सिसमम क्रॉप, तिल की फसल, बिलोंग टू द फैमिली, तिल की फसल किससे संबंधित है या किस कुल से संबंधित रखती है, सबको पता है तिल किससे है, पेडालिएशी, तिल का संबंध किस कुल से है, पेडालिएशी। आ जाओ द सीडेड ऑफ हाइब्रिड मैच लिखा हुआ है, संकर मक्का की बीज दर कितनी है, तो ध्यान रखना संकर मक्का की बीज दर रखी जाती है 20 से 25 किलोग्राम, संकर मक्का की बीज दर होती है 20 से 25 किलोग्राम। गुरु जी संकर नहीं, सामान्य पूछ रहे, तो मक्का की सामान्य बीज दर होती है 18 से 20 किलोग्राम। गुरु जी ये नहीं पूछ के लिए, घास के लिए पूछते तो, यहां पर चरी के लिए बीजते हैं ना उसके लिए पूछते, या चारे वाली फसल के लिए पूछ ले, तो चारे वाली फसल के लिए ध्यान रखना कितनी, छोड़ो इतने लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख लो कितने किलोग्राम, 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। संकर की पूछता है तो कितनी है, 20 से 25 किलोग्राम, सामान्य के 18 से 20 किलोग्राम, और चारे वाली फसल के लिए 40 किलोग्राम प्रति
हेक्टेयर बीज दर की जाती है किसमें, मक्का में। आ जाओ, व्हाट परसेंट ऑफ कैल्शियम इन फाउंड इन जिप्सम, अलग अलग नहीं लिखते होंगे, फाउंड इन जिप्सम, व्हाट परसेंटेज, कितने परसेंट मिलती है क्या कैल्शियम किसमें, जिप्सम में, जिप्सम में कैल्शियम का प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। पहले देखते हैं जिप्सम का सूत्र क्या होता है, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2, ये तो जल है, इसको तो रहने दो, इससे तो कुछ नहीं मिल रहा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल रही, तो पौधे अपने बात पे। अब पूछा जाता है इसमें कैल्शियम कितना और है, सल्फर कितना है, कैल्शियम कितना और है, सल्फर कितना है, तो कैल्शियम तो पाया जाता है इसमें ऑलमोस्ट लगभग 29%, कितना पाया जाता है 29%, और सल्फर, सॉरी हाँ 29%, और सल्फर पाया जाता है कितना लगभग 19%, 18.9-10 के आसपास होता है। तो यहां पूछा है इसने कैल्शियम, सॉरी 18.5-6 के आसपास होता है, तो यहां पूछा है इसने क्या कैल्शियम, तो कैल्शियम कितना हो गया 29.2%, यही तो होगा 29.2%। यहां पूछा है जिप्सम में कैल्शियम का प्रतिशत मात्रा, तो कितनी हो गई 29.2, यहां तो दिया हुआ 4, ध्यान रखना 29.2 ही है, कितना चलता है। हाँ, विच इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन, अलग अलग ध्यान रखना, विच इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन इज वीट, गेहूं की फसल में जो सिंचाई की मुख्य क्रांति का अवस्था है, गेहूं की फसल में सिंचाई की मुख्य क्रांति का अवस्था है वो कौन सी है, गुरुजी CRI पढ़िए, जो कितने दिन पर आती है 21 दिन, 21 दिन कब है बुआई के 21 दिन बाद, कौन सी अवस्था आती है CRI, फुल फॉर्म है क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, क्राउन रूट इनिशिएशन, शीर्ष जड़ जमते समय, और ये कितने दिन पर आती है 21 दिन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गेहूं में इरीगेशन का, ये गेहूं में इरिगेशन कितनी पर टाइम की जाती है 6 टाइम की जाती है, मोस्ट रिक्वायर्ड कितनी होती है 6 टाइम, 6 स्टेज इरिगेशन की जाती है, उसमें से जो मस्ट है ना वो कौन सी है CRI स्टेज, पहली अवस्था कौन सी है CRI, क्राउन रूट इनिशिएशन कितने दिन पर आती है 21 दिन पर, शीर्ष जड़ जमते समय। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहां कौन सी होगी क्राउन रूट इनिशिएशन। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इन विच क्रॉप, कौन सी फसल में खेरा डिजीज, इन विच क्रॉप खेरा डिजीज इज कॉज्ड बाय जिंक डेफिशिएंसी, जिंक कमी से खेरा रोग कौन सी फसल में होता है, एक ध्यान रखना जिंक की कमी, जिंक की डेफिशिएंसी से दो ही रोग पूछा जाते हैं, एक तो पूछा जाता है श्वेत कलिका, एक तो पूछा जाता है श्वेत कलिका रोग किससे होता है जिंक से होता है, किसमें होता है मक्का में होता है, एक तो ये पूछता है, और दूसरा ये सामने पूछ रखा है जिंक की कमी या जस्ते की कमी से खेरा बीमारी, खेरा डिजीज ऑफ राइस, तो ये किसकी बीमारी है धान की, पेडी राइस, धान में खेरा रोग जिंक की कमी से होता है, मक्का में श्वेत कलिका व्हाइट बड ये किससे होता है जिंक की कमी से होता है, तो दोनों रोगों का विशेष ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, वैरायटी पूछिए, गंगा टू इज ए वैरायटी ऑफ, गंगा टू किसकी किस्म है, सबको पता है गंगा टू किसकी है मक्का की किस्म है, मक्का, पहला ऑप्शन है मेज, कौन सा ऑप्शन आ गया फर्स्ट, गंगा टू, गंगा 11, ये सब किसकी किस्म की है, गंगा की जो भी किस्म है वो किसकी है मेज की हुई। अगला जाओ, व्हाट इज द ऑयल कंटेंट, व्हाट इज द ऑयल कंटेंट, वसा प्रतिशत इन सनफ्लावर सीड, यहां देखो सनफ्लावर, सूरजमुखी के बीज में वसा की मात्रा कितनी होती है, सूरजमुखी के बीज में तेल की मात्रा कितनी होती है, तो सूरजमुखी के बीज में तेल होता है 45 से लेकर कितना परसेंटेज 50%, तो अपना पहला ऑप्शन सही है 45 से लेकर 50%। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 33 ये आ गया, यहां पूछा है ड्राई फार्मिंग इज डन वेयर एनुअल रेनफॉल इज, ड्राई फार्मिंग कहां की जाती है जहां वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए, ड्राई फार्मिंग शुष्क कृषि वहां करनी चाहिए जहां वार्षिक वर्षा कितनी होती है, या कहां शुष्क कृषि करे जहां वार्षिक वर्षा इतनी हो। अब यहां देख लो वार्षिक वर्षा क्राइटेरिया 100 mm दे रखा है, सॉरी 100 cm 1000 mm दे रखा है, 700 से 1000 दे रखा है, 750 से कम दे रखा है, और 750 से अधिक, ये दोनों तो एक ही हो गए, 700 से 1000 से, ये दोनों चलो अलग अलग है।
अब यहां देखना तीन प्रकार की फसलें होती है, तीन प्रकार की खेती होती है, कौन कौन सी? पहली होती है शुष्क खेती। कौन सी होती है? शुष्क खेती, जिसे कहते हैं ड्राई फार्मिंग। लिखा हुआ है ड्राई फार्मिंग, शुष्क खेती। एक होती है ड्राई लैंड फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग शुष्क भूमि कृषि या शुष्क भूमि खेती। एक होती है रेनफेड फार्मिंग, रेनफेड फार्मिंग वर्षा पोषित खेती। यहां ड्राई लैंड फार्मिंग और यहां रेनफेड, रेनफेड फार्मिंग, तीन प्रकार की हो गई। अब यहां सीधा सा इसका मतलब है जहां पर या उस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा कितनी होगी या वर्षा की मात्रा पर डिपेंड करना है खेती कौन सी की जानी है। अब वर्षा की मात्रा अगर 750 mm से कम है, 750 mm से वर्षा कम होती है किसी भी क्षेत्र में, 750 mm से कम वर्षा होती है तो वहां तो कौन सी खेती कर ली हमने? ड्राई फार्मिंग। कौन सी हो गई? ड्राई फार्मिंग। सेकंड है ड्राई लैंड फार्मिंग, शुष्क भूमि कृषि। अगर वर्षा होती है 750 से लेकर 1150 के बीच में, देखो ये वाला ऑप्शन 750 से 1000 mm, ये लगभग 1150 तक, तो यहां कौन सी होगी? ड्राई लैंड फार्मिंग, शुष्क भूमि कृषि। तीसरा है वर्षा पोषित खेती या रेनफेड फार्मिंग। यहां सिंचाई, खेती करने के लिए फसलों से उत्पादन लेने के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ वर्षा पर खेती निर्भर करती है। तो यहां वर्षा कितनी चाहिए? मोर देन 1150 mm, 1150 mm से अधिक अगर वर्षा, वार्षिक वर्षा होती है तो वहां तो कौन सी होती है? रेनफेड फार्मिंग। 750 से 1100 होगी तो वहां होगी ड्राई लैंड फार्मिंग, और 750 से कम वार्षिक वर्षा हो रही तो वहां कौन सी हो रही? शुष्क खेती, जैसे राजस्थान में हो रही है। तो राजस्थान में जो भी खेती हो रही है वो कौन सी हो रही है? शुष्क खेती हो रही है। तो यहाँ ऑप्शन सही कौन सा होगा? थर्ड ऑप्शन, 750 mm से कम वार्षिक वर्षा वाले स्थानों पर। आगे आ जाओ भाई, जो अपना अगला प्रश्न है 34 में, इसमें पूछा गया है इसबगोल का वानस्पतिक नाम क्या है? द बोटनिकल नेम ऑफ इसबगोल प्लांटेगो ओवेटा। देख लो ये रहा प्लांटेगो ओवेटा, इसबगोल का वानस्पतिक नाम पूछा गया है कौन सा है? प्लांटेगो ओवेटा। अब गुरु जी तीन नाम और भी दिए हुए हैं, इनका बता देता हूं। यह है केसिया अंगस्टिफोलिया, सनाया सोनामुखी। किसका है? सनाया सोनामुखी। दूसरा है क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम, अलग अलग मिलता क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम, सीधा सा पता है किसका है? सफेद मूसली का है। किसका है? सफेद मूसली का। अगला है टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। तो गुरु जी ये किसका है? सुनाई नहीं, किसका है ये? जो अभी वर्तमान में जो कोविड चल रहा है, जो अभी चल रहा है ना, जो मानव शरीर में इम्यूनिटी को पावर को बढ़ाता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए किसका उपयोग करते हैं भाई? इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए देखो टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए हम, याद नहीं आ रहा कौन सा है, जो वो आगे आ जाता है मैं बता देता हूँ। तो ध्यान है टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, क्या कहते हैं उसको, अब याद नहीं आएगा, जब भी आएगा मैं बता दूंगा। नेक्स्ट आ जाऊ, सुपर स्टार इज ए वेराइटी ऑफ रोज, सुपर स्टार गुलाब के समय, ये बात तो इसने बता दी। बिलोंग टू विच क्लास, ये कौन से वर्ग की है भाई? ये पूछ रहा है, ये सुपर स्टार गुलाब की तो प्रजाति है लेकिन कौन से वर्ग की है? हाइब्रिड टी वर्ग की है सुपर स्टार। किसकी है? हाइब्रिड टी वर्ग की, हाइब्रिड टी वर्ग। सुपर स्टार जो गुलाब है ना वो कौन सा है? हाइब्रिड टी वर्ग, हाइब्रिड टी वर्ग की है। अगला क्वेश्चन आ जाओ 36। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है एल्केलाइन सोइल कैन बी रिकमेंड बाई एप्लीकेशन। जो एल्केलाइन है क्षारीय मृदा है, उसका सॉल्यूशन या उसका सुधार में किसका प्रयोग करते हैं या कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है क्षारीय मृदा के सुधार में? आ जाओ, पहला है लाइम, लाइम का मतलब होता है चूना, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा है पोटेशियम सल्फेट। तीसरा है जिप्सम या हम इसे कहते हैं सल्फर, और चौथा है जिंक सल्फेट।
सारे मर्दों को सुधारने के लिए कौन सा प्रयोग काम में लिया जाता है, कौन सा रसायन काम में लेते हैं? तो सारे मर्दों के लिए क्या काम में लेते हैं? जिप्सम। क्या काम मिलते हैं? जिप्सम। यहाँ थर्ड ऑप्शन सही होगा। जिप्सम के अलावा कौन सा काम मिलते हैं? इसके अलावा क्या काम मिलते हैं? आयरन पाइराइटिज। कौन सा काम मिलते हैं? आयरन पाइराइटिज। थर्ड ऑप्शन सही होगा अपना, जिप्सम या आयरन पाइराइटिज। आ गया। जो लाइम है, चूना है, वो किसके लिए है? अम्लीय मृदाओं के लिए। अगला क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। कोशिका की जो एनर्जी ऊर्जा मुद्रा है वो किसे कहा जाता है? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कौन सा तत्व है? सबको पता है कौन सा है? फास्फोरस। कौन सा है? फास्फोरस। कोशिका का जो सेल पावर हाउस होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। जो सेल पावर हाउस होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। सेल का जो पावर और शक्तिग्रह होता है वो तो क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और जो फसलों में या पौधों में जो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा होती है वो कौन सा तत्व माना जाता है? फास्फोरस। ये बायोलॉजी में पूछा जा सकता है माइटोकॉन्ड्रिया वाला। वन ऑफ द मेजर डिमेरिट ऑफ प्रोपोगेशन बाय सीड। अगर सीड से हम प्रोपोगेशन करते हैं या लैगिंग मेथड से प्रोपोगेशन करते हैं तो इनमें से कौन सा डिमेरिट या हानि हो सकती है, मुख्य कमी हो सकती है? बीज द्वारा प्रवर्धन की एक मुख्य कमी है। कमी क्या है? बीज द्वारा अगर प्रवर्धन करते हैं तो कमी क्या है? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेथड। डिफिकल्ट होता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इजी मेथड होता है। कठिन थोड़ी है? कठिन नहीं है। नई संकर किस्में विकसित नहीं की जा सकती है? बिल्कुल नई संकर किस्में विकसित की जा सकती है, ये भी नहीं। पौधे सामान्य या कम ओजपूर्ण होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चौथा है, पौधे मात्र पौधे से सदृश नहीं होते हैं, ये बिल्कुल सही कहा है। पौधे मात्र पौधे के समान दिखाई नहीं देते हैं, ये कमी है। प्लांट डू नॉट रिजेंबल पेरेंट्स, पेरेंट्स के समान दिखाई नहीं देते हैं। इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? ये कमी रहेगी। पौधे मात्र पौधे के सदृश नहीं होते हैं, बाकी सारे सही है। प्लांट आर जनरली वीक, कमजोर नहीं होते, मोस्टली कमजोर होते ही नहीं है बीज वाले। तो वानस्पतिक भागों से प्रवर्धन वाला हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट हैज हायर विटामिन ए कंटेंट। कौन सा फल ऐसा है जो विटामिन ए अधिक पाया जाता है, या कौन से फल में अधिक विटामिन ए पाया जाता है? जितने भी पीले रंग के फल हैं, जो येलो कलर स्किन वाले फ्रूट है ना, उनमें विटामिन ए अधिक ही पाया जाता है। तो यहां देख लो, आम ही पाया सबसे पहले। पहला ऑप्शन क्या आ गया? आम। दूसरा कौन सा है? पपीता। पपीता भी पीले रंग का, तो इसमें विटामिन ए पाया जाता है। यहाँ पूछा सर्वाधिक किसमें पाया जाता है, सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? आम में। कितना? 4800 IU/100 ग्राम। 100 ग्राम है। 100 ग्राम आम का जो फल रस होता है, जो गुद्दा होता है या खाने योग्य भाग होता है, उसमें 4800 इंटरनेशनल यूनिट क्या पाया जाता है? विटामिन ए। पपीता भी पीला है तो इसमें कितना पाया जाता है? 2020 इंटरनेशनल यूनिट पाया जाता है। केला है, इसमें कार्बोहाइड्रेट पूछा था, लगभग 20% क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट, मैंगो। अपना जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोकोट। निम्न में से कौन सा एक बीजपत्री है? निम्न में से कौन सा एक बीजपत्री फल है? अब एक बीजपत्री कैसे होगा भाई? अब फलों के बीज अपन ने देखे हो तो पता चल जाए एक बीजपत्री है या नहीं है। पर जैसे दलहन फसलें होती तो हम बताते द्विबीजपत्री है, धान्य फसलें हम बताते एक बीजपत्री है। लेकिन उनमें एक चीज है, अगर हम अपनी पत्तियां देख ले, अगर किसी भी पौधे की पत्ती सकरी है, पत्ती क्या है? सकरी, पत्ती वाला है, तो कौन सा होगा? एक बीजपत्री। कौन सा होगा? एक बीजपत्री। अगर चौड़ी पत्ती वाला है तो वो कौन सा हो गया? द्विबीजपत्री। कौन सा हो गया? द्विबीजपत्री। तो यहां कौन सा है सकरी पत्ती का? एक ही देख लो, कौन सा है? केला। और मैं बता दूं आपको, केला, खजूर और पाइनएप्पल, केला, खजूर और पाइनएप्पल, ये कौन से हैं? मोनोकोट है। बाकी लघु फ्रूट क्या होते हैं? डाइकोट होते हैं। यहां सही ऑप्शन कौन सा होगा? बनाना। जो अपना जेट 2018 का पेपर था वो पूरा सॉल्यूशन हो गया है। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे, जो आगे का पेपर होगा 19, 20, 18, 17 जो भी होगा उसके अपन कल चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन।